वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विस्की के साथ कौन सा स्नैक्स को खाना चाहिए, कौन सा स्नैक्स को खाना नहीं चाहिए। अक्सर हम लोग बहुत फोकस रहते हैं जब भी खाना चुनते हैं विस्की के साथ खाने के लिए, या मैं बोलूँगा राम, जीन, वोडका, टकीला या कोई भी अल्कोहल जब हम लोग पीते हैं तो हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना खाना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाता है जहाँ पर आपको बताया गया कि ये खाइए, वो मत खाइए, ये कीजिए, वो मत कीजिए। मगर मैं इस बार इस वीडियो में मैं वो सब्जेक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद अब तक आपने वो सोचा ही नहीं। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो कर लेंगे तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि आप बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट कर लेंगे, मगर फिर भी मैं बोलूँगा कि आप कुछ हद तक मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं, वो भी गुड फूड हैबिट के। खाली एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप विस्की पिए खाने के साथ आपका मकसद एक ही होना चाहिए, एब्जॉर्बेशन कम और डाइजेशन ज़्यादा। पहले हम लोग जानेंगे कि फूड लेने के बाद क्या होता है। जब भी हम लोग फूड खाते हैं तो वो सलाइवा नीचे जब स्टमक में आके पहुंचता है तब उसको मेटाबोलाइज किया जाता है, या स्टमक उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद हम लोग को स्ट्रेंथ मिलता है बॉडी में। और ड्रिंक्स को हम लोग डाइजेस्ट कैसे करते हैं, ड्रिंक्स जब भी हम लोग कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्टली वो स्टमक में आकर पहुंचता है और स्टमक उसको लीवर की तरफ ढकेलता है और लीवर उसको ब्रेक डाउन करता है। और एक प्रोसेस है जहां से ये अल्कोहल बाहर निकलता है, वो है बॉडी एब्जॉर्बेशन। और ये जब बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तब ना हम लोगों का जो बॉडी से बदबू निकलता है अल्कोहल का, मुंह से बदबू निकलता है अल्कोहल का, इवन यूरिन से वो अल्कोहल बाहर हो जाता है। साथ साथ मेटाबोलाइज जब करता है लीवर तब उसको दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करता है, एक है और एक है वाटर, यानी ब्रेक डाउन करने के बाद वाटर मिलता है, मगर बीच में एक केमिकल जनरेट होता है जिसको बोलता है एसिटाल्डिहाइड। और ये एसिटाल्डिहाइड बहुत ही खतरनाक है, हम लोगों का बॉडी में ये घुल मिलके बहुत खतरनाक कामों को अंजाम भी देता है। इसको कंट्रोल करने के लिए स्लो ड्रिंकिंग का सजेशन हमेशा किया जाता है, जो मैं आपको पिछले काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और ये जो इंटायर प्रोसेस है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है। और ये जो डिफरेंट बॉडी टाइप्स है, इसमें से तीन बॉडी टाइप्स है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा, और वो तीन बॉडी टाइप्स है एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। ये जो तीन बॉडी टाइप्स है, इसमें एंडोमॉर्फ जो है वो बहुत फैटी होता है, बहुत मोटा होता है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग होता है, स्केलेटन बहुत स्ट्रांग होता है, मगर बहुत सारा चर्बी भी होता है। ये मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो करता है, यानी आप जब कुछ खाना खाते हैं या अल्कोहल के साथ कुछ खाना लेते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म जो है बहुत स्लो करेगा, यानी ब्रेकडाउन बहुत स्लो होगा। तो इसमें रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा सा फैटी किस्म का फूड खाए, जैसे कि चिकन हो सकता है, जैसे कि अंडा हो सकता है, या कोई भी सैलड हो सकता है, स्प्राउट हो सकता है, या कोई होल फ्रूट्स हो सकता है, बनाना हो सकता है, ये रिकमेंड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, आपका जो स्टमक है ऐसे तो स्लो मेटाबोलाइज करता है, जब भी ये फूड अल्कोहल के साथ जाएगा तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। साथ साथ ये भी रिकमेंडेड है कि आप धीरे पिए। खाली आपको इतना याद रखना चाहिए कि आपका जो विस्की है वो डाइजेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, एब्जॉर्बेशन कम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के लिए ऐसा कुछ फूड आपको रिकमेंड किया जाता है कि वो आपको थोड़ा सा बूस्टअप करता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म पावर है उसको थोड़ा बूस्टअप करता है। ये तो हो गया एंडोमॉर्फ का बात। अब आते हैं एक्टोमॉर्फ कैटेगरीज में। एक्टोमॉर्फ कैटेगरीज में जो होता है बहुत दुबले पतले होता है, उसमें बॉडी में उतना मांस नहीं होता है, चर्बी तो होता ही नहीं है, और तो और इसका जो स्टमक का जो कैपेसिटी है, ये जो खाना को ब्रेक डाउन बहुत जल्दी करता है, बहुत फास्ट कर सकता है, काफ़ी यू नो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। तो इसमें इस कैटेगरी में जो भी पड़ते हैं वो कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी तेल झाल मसाला वाला खाना या कुछ भी खा सकता है। तो मैं बोलूँगा कि एक्टोमॉर्फ वाले जो है वो थोड़ा किस्मत वाले हैं, वो कुछ भी खा सकता है। फिर भी एक सजेशन है मॉडर्न ड्रिंकिंग के बिहाफ में, एक सजेशन है कि आप अगर खाना खाए तो ध्यान रखिए कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए, एकदम मॉडरेट तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको खाना खाना है। अब आता हूँ मेसोमॉर्फ की तरफ। मेसोमॉर्फ जो कैटेगरी होता है ये मिडिल में होता है। अब मेसोमॉर्फ कैटेगरीज में एडवांटेज क्या है कि ये
मेटाबोलाइज करता है, मगर उतना भी स्लो नहीं, उतना भी फास्ट नहीं, मीडियम टू फास्ट। तो मेसोमॉर्फ जो कैटेगरी है उसमें उतना फैट तो होता नहीं जैसे कि एंडोमॉर्फ में होता है। यहाँ पर आपका जो मेटाबोलाइज सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो तो काम करता है एज कम्पेयर टू एक्टोमॉर्फ, क्योंकि आपको थोड़ा सा बूस्टअप करना है आपका मेटाबोलाइज सिस्टम को फॉर द टाइम बिंग। तो इसलिए आपको भी सजेस्ट किया जाता है कि आप उस दौरान मैक्सिमम सैलेड के ऊपर ध्यान दें, और ये काफ़ी बूस्ट करता है आपका मेटाबोलाइज सिस्टम को कुछ हद तक सडन टाइम तक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके या विस्की को स्लो पी के। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपको जो खाने का रिकमेंडेशन किया गया अब तक वो खाना खाते हुए करना पड़ता है, और विस्की स्लो पीना ये तो आपका हाथ का बात है। तो वीडियो के एंड में आके इतना आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा कि डाइजेशन फर्स्ट होना चाहिए और एब्जॉर्बेशन कम होना चाहिए। जितना जल्दी आप डाइजेस्ट कर पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, अल्कोहल को भी और फूड को भी। एब्जॉर्बेशन अगर ज़्यादा होने लगेगा तो एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा इंक्रीज करेगा और आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका बॉडी में डिस्टर्ब करेगा। तो जब भी आप खाना खाएं टाइम देकर खाना भी खाएं और विस्की को भी टाइम देकर पिए। हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप जब भी 60 ml विस्की पीते हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटा दीजिए उसको पीने के लिए, तब जाके ये जो सिस्टम है प्रॉपरली काम करेगा, और तो और आप कुछ भी खा सकते हैं। आगे से याद रखिएगा कि आप कुछ भी खाना सिलेक्ट करने से पहले आपका जो बॉडी है वो कौन सा कैटेगरी में आता है वो सोच के खाना खाइए, तब जाके ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल, न्यू मॉकटेल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। बाय बाय।